Please subscribe my channel, like and share. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था लॉ ऑफ डोमिनेंस, आज के इस वीडियो में हम लोग मेंडल के दूसरे नियम की स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो होता क्या, जब मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे प्योर लॉन्ग प्लांट्स और जब शुद्ध बोने ड्वार्फ प्लांट, शुद्ध लंबे और शुद्ध गौणे पौधों में क्रॉस कराया, शुद्ध लंबे के जीन उन्होंने कैपिटल टी लंबेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को कैपिटल टी, क्योंकि प्योर है होमोजाइगस है इसलिए कैपिटल टी, जबकि बोनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन पेयर को उन्होंने स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। अगर किसी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी जीन पेयर के दोनों जीन एक जैसे हैं तो होमोजाइगस कहा जाता है। तो जब होमोजाइगस लॉन्ग प्लांट्स और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में लंबेपन का जीन अपने आप को प्रदर्शित करता है। आपको F1 जनरेशन पूरा नाम फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम पैतृक पीढ़ी में आपको कैसे प्लांट मिलते हैं, हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब उन्होंने हाइब्रिड लॉन्ग में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया, जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट्स मिले थे, जब उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया, तो शुद्ध लंबे हाइब्रिड लंबे हाइब्रिड लंबे शुद्ध गौणे पौधे F2 जनरेशन में प्योर लॉन्ग हाइब्रिड लॉन्ग एंड ड्वार्फ एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब आप अगर प्योर लॉन्ग में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो F3 जनरेशन में सभी लॉन्ग मिलेंगे, प्योर लॉन्ग मिलेंगे, ड्वार्फ में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो F3 जनरेशन में सभी ड्वार्फ मिलेंगे, और हाइब्रिड लॉन्ग में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो F3 जनरेशन में फिर से यही हाइब्रिड लॉन्ग प्योर लॉन्ग हाइब्रिड लॉन्ग एंड ड्वार्फ एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। और वो अनुपात होता है पहला जीनोटाइप रेशियो, जीन रूपी अनुपात, यानी जो ऐसा अनुपात जो जीनों के अकॉर्डिंग निकाला जाता है उसे जीनोटाइप रेशियो कहा जाता है। तो जीनोटाइप रेशियो जीन तीन प्रकार के यहां पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक प्योर लॉन्ग वन, ये दोनों हाइब्रिड लॉन्ग टू एंड ए सिंगल ड्वार्फ, क्लियर। तो ये कितना है, वन, यानी वन रेशियो टू रेशियो वन, एक अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में शुद्ध लंबे हाइब्रिड लंबे और बोने पौधे जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। एक और रेशियो निकाला जाता है इसी का, फीनोटाइप
रेशियो 10 रुपये अनुपात। तो दिखने में तीन लंबे हैं और एक बौना है, तो लॉन्ग कितने हैं, लॉन्ग 3 एंड ड्वार्फ कितना है 1। तो फिनोटाइप रेशियो क्या प्राप्त हो जाता है, 3:1, और जीनोटाइप प्योर लॉन्ग 1 हाइब्रिड लॉन्ग 2 ड्वार्फ 1। तो ये था पृथक्करण का नियम, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं। आप देखेंगे एप्पल जनरेशन में ड्वार्फ नहीं थे, लंबेपन का प्रभावी था, पौनेपन का अप्रभावी था। जो जीन अपने आप को एप्पल जनरेशन में प्रदर्शित करता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है उसको अप्रभावी कहते हैं। तो ये होमोजाइगस थे, ये कैसा है, हेटरोजाइगस। यदि जीन पेयर दोनों जीन अलग अलग होते हैं तो इसको हेटरोजाइगस कहा जाता है। हेटरोजाइगस में यहां देखेंगे आप कैपिटल टी प्रदर्शित करता है अपने आप को, तो इसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और स्मॉल टी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, इसको अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। तो जो अप्रभावी लक्षण है, यहाँ एप्पल जनरेशन में तो सभी हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट्स मिले थे, डॉर्फ तो थे ही नहीं, लेकिन एप्पल जनरेशन में जब भी रिसेसिव जीन को मौका मिला उसने अपने आप को प्रदर्शित किया, यानी जो गैमेट्स होते हैं उनके कैरेक्टर कभी मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है हिंदी में, इसको एक संकर संकरण कहा जाता है। तो जब एक विरोधी लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है, यानी एक विरोधी लक्षण की वंशागति का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभावता के नियम में भी हम लोगों ने लंबाई का अध्ययन किया था, और यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण के नियम में भी हम लोग पौधे की लंबाई का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत ये आता है। निश्चित ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, यदि आपको समझ में आया है ये टॉपिक तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।